यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही पर्यटकों की सुविधा के लिए मनाली से रोहतांग को हेली टैक्सी से जोड़ा जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए हेली टैक्सी सेवा धर्मशाला, चंबा, डलहौजी और मनाली चंडीगढ़ के बीच भी शुरू करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शनिवार को सिराज में हिम रेशम उत्सव के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी जिला के दूरदराज क्षेत्र में रेशम उद्यमिता विकास के लिए केंद्र खोला है ताकि लोगों को रेशम उद्योग से जुड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। ये एकमात्र ऐसा उद्यम है जहां पर लोग घर पर काम कर अपनी आय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त देश, प्रदेश और गांव के विकास में सृजनात्मक सहयोग दे सकते हैं। इस केंद्र से विशेषकर महिलाएं यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होंगी और वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे पाएंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रेशम पालन और रेशम बुनाई को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र परियोजना को शुरू किया है। तो अनछुए पहलुओं को भी इस योजना के जरिए दिखाया जाएगा। हिम रेशम उत्सव में पहुंचे थे सीएम जयराम ठाकुर, इस दौरान ये सारी बातें उन्होंने कही। साथ ही आपको बता दें, पर्यटन क्षेत्र को और ज्यादा विकसित किया जाएगा और हेली टैक्सी जो चंडीगढ़ और शिमला के बीच शुरू की गई है, इसे और भी पर्यटक स्थलों पर शुरू किया जाएगा।